ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य मुक्त, निष्पक्ष और पारस्परिक व्यापार है, लेकिन व्यापार युद्ध होता है तो अमेरिका को उसे जीतने का पूरा भरोसा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले हैं जिसके तहत स्टील की इंपोर्ट पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% शुल्क लगाया जाएगा। शुल्क में बढ़त की घोषणा पिछले सप्ताह की गई, इसको लेकर यूरोपीय संघ और कनाडा समेत अमेरिका के प्रमुख व्यापार सहयोगियों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। ट्रंप के फैसले से व्यापार तनाव बढ़ने की आशंका है। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका की ओर से पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वॉशिंगटन ने कहा है कि इस्लामाबाद के रवैये में कोई खास बदलाव नहीं है। 2 महीने पहले इस्लामाबाद को दिए जाने वाले $2 बिलियन के सुरक्षा सहयोग को रोक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया था। अमेरिका का कहना है कि इसके बाद भी पाक में कोई निर्णायक और सतत बदलाव नहीं आया है। दक्षिण और मध्य एशिया की प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट एलिस वेल्स ने कहा कि हमने पाकिस्तान के रवैये में अब तक कोई निर्णायक और सतत बदलाव नहीं देखा है, लेकिन हम पाकिस्तान से उन मामलों पर संपर्क में रहेंगे जिनमें हमारे अनुसार वो तालिबान के समीकरण बदलने में मददगार हो सकता है। यरूशलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। यरूशलम में होने वाले नए अमेरिकी दूतावास के उद्घाटन समारोह में ट्रंप शिरकत कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मेजबानी की और इस मुलाकात के दौरान संभावना जताई कि वो मई में यरूशलम में होने वाले नए अमेरिकी दूतावास के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपकी असाधारण दोस्ती के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं। अमेरिका इस साल मई में इजराइल के 70वें स्वतंत्रता दिवस के कुछ समय बाद ही वहां अपना नया दूतावास खोल सकता है। भारत वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित होना चाहता है। पेंटागन के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर ने मंगलवार को अमेरिकी सांसदों को ये जानकारी दी, साथ ही कहा कि नई दिल्ली इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी रणनीतिक शक्तियों को आवश्यक तत्वों के रूप में देखता है। भारत ने पहली बार अपने देश में बनी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत को सेवा में लिया और अब अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत को 2018 में डिलीवर करने वाला है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट एशले ने आर्म्ड सर्विसेज कमेटी से जुड़े सांसदों को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी राजनयिक और आर्थिक पहुंच के लिए मजबूत करते हुए बड़े पैमाने पर हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। एशले ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान और भारत की सेनाओं के बीच भारी गोलाबारी से शत्रुता की क्रमिक वृद्धि का खतरा बना रहता है। कच्चे तेल के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मंगलवार को भारत को गैस निर्यात करने वाला देश बन गया है। अमेरिका के 7-20 वर्षीय समझौते के तहत लिक्विफाइड नेचुरल गैस की पहली खेप को ल्यूसियाना से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सरकारी गैस कंपनी गेल इंडिया ने सालाना 35 लाख टन एलएनजी के लिए सीनियर एनर्जी की सबमाइन स्पास लिक्विफिकेशन को करार दिया है। रूस का सैन्य मालवाहक विमान सीरिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सवार सभी 39 लोगों की मौत हो गई। रूसी संवाद समिति ने रूसी विदेश मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी दी। रूसी विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि मालवाहक विमान N-26 लताकिया प्रांत में रूस के हमेमिव हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
मंत्रालय ने बताया कि हादसे में विमान में सवार 33 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य मारे गए और अभी तक की जांच में पता चला है कि तकनीकी खामी के चलते ये दुर्घटना हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो इस महीने के अंत में होने वाले चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं, वो गत दिसंबर में ऐलान किया था कि सीरिया में रूसी अभियान का अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका है। अनवर डॉन का दाऊद इब्राहिम भारत लौटना चाहता है, यह सनसनीखेज खुलासा भारत में रह रहे दाऊद के भाई इकबाल कासकर ने किया है। वो आजकल एक मामले में मुंबई की थाने जेल में बंद है। मंगलवार को सुनवाई के लिए कासकर को कोर्ट लाया गया था। कासकर ने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी से पहले उसने अपने भाई दाऊद इब्राहिम से फोन पर बात की थी। इस दौरान दाऊद ने भारत आने की इच्छा जताई थी, लेकिन वो भारत आने पर आर्थर जेल में रहना चाहता है। जब जज ने दाऊद के भाई इकबाल कासकर से कहा कि वो दाऊद का नंबर बताए, तो उसने कहा कि फोन की डिस्प्ले पर उसका नंबर नहीं आ रहा था और ना उसे पता है कि दाऊद कहाँ है। इसी दौरान कासकर ने वकील ने कहा कि भारत लौटने के लिए उसने वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के जरिए भारत सरकार को संदेशा भी भिजवाया था, लेकिन सरकार ने उसे खारिज कर दिया। भारत आने को लेकर दाऊद ने खुद को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखने की शर्त रखी थी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। नोटिस घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की याचिका पर दिया गया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। नीरव के वकील के दलीलों से असहमत होते हुए जस्टिस ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता को भी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय को भी अपनी बात करने का मौका मिलना चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। पर्रिकर मंगलवार देर रात मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए रवाना हुए और इससे पहले तबियत बिगड़ने पर सोमवार को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोवा छोड़ने से पहले उन्होंने कैबिनेट सलाहकार समिति का गठन किया है, जो उनकी अनुपस्थिति में राज्य के कामकाज के लिए निर्णय लेगी और उन्होंने इलाज के लिए जाने से पहले एक वीडियो संदेश भी दिया है, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा है कि वो उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें। हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन जारी है। एक तरफ तो कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में पहुंचकर प्रश्नकाल में अपनी समस्याओं को रखा और सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछे। पूर्व कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर गन्ने को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उनका कहना था कि सरकार किसानों को गन्ने का भाव और पूरी फसल को बिकवाने में नाकाम रही है, इसलिए आज हरियाणा का गन्ना किसान परेशान है। दिल्ली में इनेलो की महारैली होने जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। इनेलो के कार्यकर्ता रैली को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। रैली होने के कारण इनेलो कार्यकर्ता विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में नहीं जाएंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला रैली को संबोधित करेंगे और 2019 के लिए चुनावी हुंकार भी भरेंगे। इस दौरान वो किसानों और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधेंगे। जज्जर से इनेलो कार्यकर्ताओं का जत्था रैली के लिए रवाना हो चुका है। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इनेलो पार्टी की दिल्ली में महारैली होने वाली है और दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं झज्जर से इनेलो नेता का कहना है कि ये रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी और हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और नकल को रोकने के लिए बोर्ड ने 334 प्रभावी उड़नदस्ते गठित किए हैं और पहली बार उड़नदस्तों का गठन एडीसी के नेतृत्व में किया गया है और साथ ही आदेश दिए गए हैं कि जिस गांव में नकल होगी उसकी जिम्मेदार उस गाँव की पंचायत होगी और साथ ही कहा कि गाँव की पंचायत के खिलाफ कार्रवाई होगी। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव धीरेन्द्र खड़कटा ने जानकारी दी है कि इस बार रेगुलर और ओपन की परीक्षा एक साथ एक सत्र में ही होगी। इस बार 10वीं के रेगुलर और 3,83,799 बच्चे और ओपन के 1,18,193 बच्चे परीक्षा देंगे और 12वीं के रेगुलर 2,40,462 बच्चे और ओपन के 77,586 बच्चे परीक्षा देंगे। गुरुग्राम जिला उपायुक्त ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य के साथ बैठक की। बैठक में सभी प्रधानाचार्यों को नकल रहित परीक्षा करवाने की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि प्रशासन परीक्षाओं में को नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। वहीं गुरुग्राम में 10वीं के 16,000 और 12वीं के 10,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। जिले में कुल 71 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो वहीं परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के अंतर्गत धारा 144 लगा दी गई है। इस बार सुपरिटेंडेंट के साथ एक एक पुलिसकर्मी अलग से भी नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के बिलोनिया शहर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से लेनिन की प्रतिमा गिराए जाने के विरोध में गोहाना में जनसंघर्ष मंच के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर शहर में प्रदर्शन किया और बीजेपी पार्टी का पुतला फूंका। इस दौरान मंच के संयोजक डॉक्टर सीडी शर्मा ने कहा कि लेनिन महान थे जिससे हमारे देश की क्रांतिकारियों ने प्रेरणा ली, लेकिन बीजेपी नेताओं ने बेलोनिया शहर में उनकी प्रतिमा को गिरा दिया। ऐसा करने वालों को ये देश माफ नहीं करेगा। बच्चों को भाईचारे और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले सरकारी स्कूल के टीचर ही आपस में भिड़ गए। हतो तब हो गई जब एक महिला टीचर ने अपने नेत्रहीन साथी को थप्पड़ जड़ दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो स्कूल में पुलिस भी पहुंच गई। मामला अम्बाला कैंट के रामपुर सर सहरी गांव का है जहां सरकारी स्कूल में बच्चों का पीरियड लेने को लेकर टीचरों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मामला इतना बढ़ गया कि एक महिला टीचर ने नेत्रहीन टीचर को थप्पड़ जड़ दिया। मामले के तूल पकड़ते ही स्कूल में पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए तो वहीं पीड़ित टीचर ने कहा कि उसे प्रताड़ित किया गया है जिससे उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोनीपत के केंद्रीय सहकारी बैंक में लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घोटाला भी ऐसा है कि बेरोजगारों के साथ सर्विस एजेंसी धोखा कर रहा है जिसकी उच्च जांच अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। तो वहीं सर्विस टैक्स की चोरी के बारे में अभी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि सहकारी बैंक में 1 अगस्त 2014 को मेसर्ज रॉयल स्टार सिक्योरिटी पानीपत को आउटसोर्सिंग स्टाफ उपलब्ध करवाने के लिए टेंडर किया गया था जिसके तहत एजेंसी को क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड और चपरासी स्टाफ उपलब्ध करवाना था। एजेंसी की ओर से स्टाफ तो उपलब्ध करवाया गया लेकिन बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करते हुए करीब 30 लाख रुपए की धनराशि संबंधित विभाग को जमा नहीं करवाई। टोहाना के शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब ने गांव समेड़ में एक दिवसीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जिसमें 70 किलो भार वर्ग में हरियाणा और पंजाब राज्य की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 21,000 नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा दूसरे स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 15,000 नकद इनाम से सम्मानित किया गया। इस दौरान विशेष रूप से 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के लिए 200 मीटर दौड़ का आयोजन करवाया गया जिसमें वृद्धों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। दौड़ प्रतियोगिता में मैराथन और अन्य दौड़ों में गोल्ड मेडल जीत चुके सतपाल सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सुबह 11 बजे शुरू हुए सदन की कार्यवाही में सबसे पहले दो विधानसभा सदस्यों की मौत पर शोकोद्गार हुआ। शोकोद्गार के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री अपनी सीट से उठे और कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को नियम 67 में स्थगन प्रस्ताव के तहत नोटिस दिया है और धारा 118 के सरलीकरण पर मुख्यमंत्री के बयान पर चर्चा की मांग की गई है। हिमाचल भू सुधार नियम महत्वपूर्ण है, पहले इस पर चर्चा हो उसके बाद सदन की कार्यवाही चले। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष समझाते रहे लेकिन विपक्ष ने एक न सुनी और सदन के अंदर ही नारेबाजी शुरू कर दी। इधर सरकार की तरफ से भी विधायक अपनी सीटों से खड़े हो गए और विपक्ष के हमलों का जवाब देने लगे, लेकिन विपक्ष के ने एक न सुनी और शोर शराबा शुरू कर दिया। विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की एक सीट के लिए प्रदेश बीजेपी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का नाम तय कर दिया है। सोमवार को शिमला में हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में उनका नाम तय कर दिया, केंद्रीय चुनाव कमेटी को भेज दिया गया है। राज्य समिति के सामने चुनाव को लेकर मात्र एक ही नामांकन आया है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से किसी नड्डा के खिलाफ किसी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। मौजूदा समय में हिमाचल विधानसभा में भाजपा के 44 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 21 विधायक हैं, साथ ही एक माकपा और 3 निर्दलीय हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है। 12 मार्च नामांकन की अंतिम तिथि है, 15 मार्च को नाम वापस लिए जा सकेंगे। वोटिंग की जरूरत पड़ी तो 23 मार्च को मतदान होगा और इसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजहरी में एक बार फिर से सीएम जयराम ठाकुर का पुतला जलाया गया। मंगलवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किसी भी प्रकार से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और उन्हें पुतला जलाने दिया। मंगलवार को जंजैली में फिर से लोग सराज संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट हुए और हाथों में काले झंडे लेकर सड़कों पर उतरकर सरकार और सीएम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस बार प्रदर्शन में माकपा के जिला सचिव खुशहाल भारद्वाज और सराज से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके चेतराम ठाकुर भी शामिल हुए। नूरपुर में कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय महाजन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों का आने वाले लोकसभा चुनावों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन चुनावों से पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, जहाँ पहले से ही बीजेपी की सरकार है। इससे साबित होता है कि बीजेपी सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। अजय महाजन का कहना है कि लोकसभा चुनावों में जहां प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी, तो वहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी विजय हासिल करेगी। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां राकेश शर्मा नाम के एक उद्योगपति ने हिमाचल के आबकारी एवं कराधान विभाग, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई विभागों को लगभग 6000 करोड़ का चूना लगाने के आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद से ही इस उद्योगपति के विदेश में कहीं छिपने की खबर है। मामले में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने वाले राकेश शर्मा के खिलाफ 4 सालों बाद भी कोई FIR दर्ज नहीं करवाई गई है। नीरव मोदी मामला प्रकाश में आने के बाद अब प्रदेश सरकार कुछ हरकत में आई है और आबकारी एवं कराधान विभाग की बैठक में इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय को सौंपने का फैसला लिया गया। हिमाचल के नाहन स्थित ऐतिहासिक विला राउंड में बने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के 2 मंजिला भवन खंडरों में तब्दील होता जा रहा है। शांत वातावरण में सालों पहले कर्मचारियों के लिए लाखों रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन सरकारी लापरवाही ने लाखों रुपए के भवन में खंडर में तब्दील करने के लिए छोड़ दिया है। भवन में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें लापरवाही की पोल खोल रही है।
भवन में चारों तरफ गंदगी का आलम है। हैरानी की बात तो ये है कि इस भवन के बनने के बाद इसका इस्तेमाल एक भी बार नहीं किया गया। मामले में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र कंवर का कहना है कि जेसीसी की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया था और प्रशासन से लेकर सीएम तक के सामने इस मसले को ले जाया गया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि इस भवन को बनाने में अनियमितताएं बरती गई हैं जिसकी जाँच की जानी चाहिए। सोलन पुलिस नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाए हुए है और नशे के काले कारोबार पर नकेल कसने का हर संभव प्रयास कर रही है। आज भी कंडाघाट पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए नशे की बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ममलीग में एक ट्रक को शक के आधार पर रोका तो पाया कि उसमें भारी मात्रा में शराब की पेटियां हैं, जिसको पुलिस ने कागज मांगे तो वो दिखा नहीं पाए, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया।